आज की वीडियो में समझते हैं एक स्क्रू और एक बोल्ट में क्या अंतर होता है। दोनों देखने में सेम है, दोनों लगभग दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं, फास्टनिंग का काम करते हैं, मगर दोनों अलग अलग है, दोनों के यूज़ अलग अलग है। तो आज की वीडियो में हम समझते हैं कि एक स्क्रू में और एक बोल्ट में क्या डिफरेंट है। बोल्ट और स्क्रू में सबसे मेजर डिफरेंट यह है कि बोल्ट में स्पाइरल थ्रेड होते हैं जबकि स्क्रू में हेलिकल थ्रेड होते हैं। स्क्रू में हेलिकल थ्रेड होते हैं इसलिए हमें जहाँ पे स्क्रू का यूज करना होता है वहाँ पे हम थ्रेड नहीं काटते, क्योंकि स्क्रू अपने आप थ्रेड काट के अपने आप टाइट हो जाता है, जबकि बोल्ट में स्पाइकल थ्रेड होते हैं। इसी कारण हमें बोल्ट को टाइट करने के लिए पहले वहाँ पर थ्रेड काटनी पड़ेगी, इसके बाद वहाँ पर बोल्ट टाइट हो सकता है। सो बोल्ट और स्क्रू में एक डिफरेंट ये भी होता है कि स्क्रू सेल्फ थ्रेड होते हैं जबकि बोल्ट में हमको पहले थ्रेड काटनी पड़ेगी, इसके बाद हम बोल्ट का यूज कर सकते हैं। बोल्ट का इस्तेमाल करने के लिए हमको एक होल की ज़रूरत होती है और उस होल का डाया उस बोल्ट के डाये से बड़ा होना चाहिए, जबकि स्क्रू के यूज़ के लिए हमको किसी भी तरह के कोई होल की ज़रूरत नहीं होती। अगर होल चाहिए भी तो हमको स्क्रू के डाये से छोटे डाये का होल चाहिए होता है। बोल्ट के साथ हमेशा एक नट की ज़रूरत होती है क्योंकि बिना नट की हेल्प के बोल्ट टाइट नहीं हो सकता, जबकि स्क्रू का यूज हम सिंगल ही करते हैं, स्क्रू के लिए हमको किसी भी तरह के कोई बोल्ट की आवश्यकता नहीं होती। बोल्ट की हेल्प से फास्टनिंग किए गए दो कंपोनेंट की पकड़ उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जबकि स्क्रू की मदद से फास्टनिंग किए गए दो कंपाउंड की दो ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। बोल्ट का यूज करते हैं हम हैवी ड्यूटी मशीन की असेंबली के लिए, कोई हैवी मैकेनिकल इक्विपमेंट हो, मशीन हो, उनके असेंबली के लिए हम बोल्ट का यूज करते हैं, जबकि स्क्रू का यूज हम बहुत छोटे छोटे माइनर से दो कंपोनेंट को ज्वाइंट करने के लिए करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।